वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग माइंड द स्टॉक मार्केट विद विजय सिंघानिया। शेयर बाजार के जाना माना नाम मिस्टर सिंघानिया को 30 साल का एक्सपीरियंस शेयर बाजार में है। हमने उनसे बहुत कुछ समझा, हमने उनसे ऑप्शन समझा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझी, हमने उनसे ये भी समझा कि ट्रेंड हम क्यों कैसे एनालाइज करें और कैसे हम एक शेयर बाजार में अच्छी ट्रेडिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं। और आज का टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है जिसको हम बड़े ही छोटे में लेते हैं जब भी हम ट्रेडर्स इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस क्या है, इसका इंपैक्ट आपकी ट्रेडिंग पे कैसे पड़ सकता है, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं एक ओपन पोजीशन को, क्या वो बियरिश है, क्या वो बुलिश है, आपके ट्रेड्स को कैसे इंपैक्ट करेगी, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। मिस्टर सिंघानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम मिस्टर सिंघानिया। थैंक यू सो मच सिंघानिया सर। हमें ये बताइए कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है और ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस से क्या क्या फायदे हैं और क्यों करना चाहिए इसका एनालिसिस। देखिए, मैं एक बात तो पहले से बता दूं आपको कि ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस बहुत ही सीजन्ड एंड बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स करते हैं और रिटेल के लोग नहीं करते हैं, जबकि उनको करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली अगर जरा सी एनालिसिस के बाद में थोड़ा सा अगर हम उनको लॉस से बच जाते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, तो वो बेटर ही है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? आज के दिन हम रोज मार्केट में, हम जो पेपर में आता है या हमारे टीवी पर आता है कि भाई आज एफआईआई ने इतनी बाइंग की, एफआईआई ने इतनी सेलिंग की, कैश की बाइंग सेलिंग तो समझ में आती है कि वो हम देख लेते हैं, चार दिन में इतनी बाइंग हुई, पांच दिन में इतनी बाइंग हुई, ये हो गया इसमें। लेकिन फ्यूचर में बाइंग सेलिंग कितनी हुई, ये कैसे, उसका कैसे एनालिसिस होगा, नंबर वन। नंबर टू, ऑप्शन में क्या बाइंग की, क्या सेलिंग की, ये कैसे होगा? क्योंकि हम पिछले एपिसोड्स में ये देख चुके हैं, हमने एक्सप्लेन किया था कि ऑप्शन बाई करने का मतलब बाई नहीं है, ऑप्शन सेल करने का मतलब सेल नहीं है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आप कॉल बाई कर रहे हैं या पुट बाई कर रहे हैं, या आप सेल कर रहे हैं तो कॉल सेल कर रहे हैं कि पुट सेल कर रहे हैं। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर हम डेली बेसिस पे भी अगर एनालिसिस करें तो हमको ये देखना चाहिए कि भाई डेली बेसिस पे नेट में अगर कॉल सेल किया है या बाई सेल किया या पुट सेल किया है और उसको फ्यूचर से एडजस्ट करके देखे, तब मालूम पड़ता है कि आज के दिन नेट में उन्होंने क्या बाई किया है, क्या सेल किया है। लेकिन ये एक बहुत छोटी सी चीज है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पहले से क्या बाई करते आ रहे हैं और पहले से क्या सेल करते आ रहे हैं। डेरिवेटिव की पोजिशन जो है वो खत्म नहीं होती। डेरिवेटिव की पोजिशन या तो हम उसको सेल करके खत्म कर दें तब खत्म होती है, या वो एक्सपायरी पे वो कैश के भाव से एडजस्ट होके खत्म होती है। जहां तक ऑप्शंस का सवाल है, मैं इंडेक्स ऑप्शन की बात करूंगा। जैसा मैंने शुरू से बोला है, इंडेक्स ऑप्शंस वीकली हो गए हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन की पोजीशन खत्म होती है हर थर्सडे को, लेकिन फ्यूचर की हमारी खत्म नहीं होती। लेकिन जो ऑप्शन की पोजीशन खत्म होती है वो खत्म होती है कैश के स्पॉट के भाव से। तो इसमें ये पोजीशन समझनी बहुत जरूरी है कि वो जो हमारे जो जो बाई करने वाले हैं, जो पार्टिसिपेंट मार्केट के हैं, उनकी कुमुलेटिव पोजीशन क्या है। तो देखा जाए तो कुमुलेटिव कैरी फॉरवर्ड पोजीशन जो है वो ही ओपन इंटरेस्ट है। अच्छा, क्योंकि डेरिवेटिव में भले ही ये फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, इसमें डिलीवरी तो होती नहीं एक्सेप्ट लास्ट डे, इनफैक्ट इंडेक्स में तो वो भी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक बाई करता है, एक सेल करता है, ये दोनों की दोनों पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में फिर हमको एक्सपायरी में जब वो खत्म हो जाती हैं, तब उसके बाद में नई पोजीशन शुरू होती है, राइट ना। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस है, ये डायरेक्शन, मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमें ये पता करना है कि FIIs निफ्टी पे क्या कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ज्यादा खड़ा है, कहाँ पे इस बाजार को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकती है, तो ये कैसे एनालाइज करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बेसिस। इसमें क्या है कि जो इनफैक्ट हमारा जो NSE है, NSE पे फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है, तो वो डेली के डेली ये इंफॉर्मेशन देती है हमको कि हमारे जो हमारे उन्होंने क्या किया है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स को चार कैटेगरी में बांटा है। FPIs, प्रो मींस जो ब्रोकर अपने कोर्ट पे काम करते हैं, PIIs एंड क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट्स के अंदर अगर कोई भी क्लाइंट कोर्ट में काम कर रहा है, भले वो ऑपरेटर है या रिटेल क्लाइंट है,
वो सब एक्चुअली एक ही उस कैटेगरी में आते हैं। जहां तक डीआईआई का सवाल है तो डीआईआई इम्पोर्टेंट नहीं है, डीआईआई की पोजीशन तो होती है, फ्यूचर्स में भी होती है, कई बार थोड़ी थोड़ी ऑप्शन में भी हो जाती है, लेकिन ये जो पोजीशन की होती है वो सिर्फ आर्बिट्राज के अगेंस्ट में होती है, वो लोग कैश लेकर के फ्यूचर बेचते हैं उसके अगेंस्ट में उनकी पोजीशन होती है, तो जनरली उस पोजीशन को कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो तीन केवल पार्टिसिपेंट बचे। अब इन तीन पार्टिसिपेंट की के बेसिस पे इन तीनों की पोजीशन डेली की डेली कैरी फॉरवर्ड होकर के आती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बीच में क्या हुआ, 30th मई को मार्केट में बड़ा बाउंस आया, 300 पॉइंट का बाउंस आया मार्केट के अंदर, और हर एक को ये लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से, क्योंकि क्या हुआ था, मार्केट ने टेक्निकल के लोग बोल रहे थे मार्केट ने ट्रिपल बॉटम बनाया है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन 30 को जब ये मार्केट में जब ये इतना उछाल आया तो उसके बाद में जब 31 की फिगर आई तो हम लोगों ने ये देखा कि 31 तारीख को वो FII की फर्दर पोजिशन ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग की नहीं बनी है, शॉर्ट की बनी है, तो वहीं से समझ में आ गया था कि मार्केट यहां से चलने वाला नहीं है। अब ये कैसे बनती है पोजीशन, इसका सीधा सा फार्मूला है, एक्सचेंज जो फिगर देता है वो इंडेक्स बाय इंडेक्स सेल, कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय एंड पुट सेल। इसमें मैं सिर्फ एक थोड़ा सा बीच में राइडर बोल दूं, इसमें ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का फिगर अलग अलग नहीं आता है, तो हमको ये मान के चलना चाहिए, क्योंकि जनरली दोनों एक डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं, कई बार तो नीचे हो जाता है, लेकिन हम उस हर हिसाब से उसको एक साथ ही मान के चलेंगे, उसके अंदर लॉन्ग टर्म में एक साथ ही चलते हैं सब लोग ये। तो इसमें क्या होता है कि इसकी एनालिसिस करने के लिए करना ये चाहिए कि पहले इंडेक्स फ्यूचर को हमने नेट किया, नेट माने इंडेक्स फ्यूचर, पहली बात तो ये जितनी फिगर है ये चार कैटेगरी में आती है, तो हर कैटेगरी में इंडेक्स फ्यूचर बाई एंड इंडेक्स फ्यूचर सेल को नेट किया, करेक्ट। उसके बाद में हमने कॉल बाई और कॉल सेल को नेट किया, राइट। अगर वो फिगर प्लस में है तो इसका मतलब नेट में कॉल की पोजीशन तेजी की है, उसको हमने ऐड कर लिया। फिर हमने पुट की बाई की पोजीशन और पुट की सेल की पोजीशन को हमने नेट किया, और नेट करने के बाद में हमने उसको अगर वो शॉर्ट है तो उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो इट अमाउंट्स टू तेजी, और अगर वो किसी ने वो प्लस में आती है तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये फिगर जो होती है, ये फिगर यहाँ पर ये निकल करके आती है कि प्रीवियस डे का जो ओपन इंटरेस्ट था वो आज के ओपन इंटरेस्ट से वो लॉन्ग बढ़ा है या शॉर्ट बढ़ा है। समझ आया आपको? नहीं समझ आया? तो इसमें क्या होता है कि ये एनालिसिस मेरे को ऐसा लगता है कि जो बड़े मतलब ट्रेडर्स हैं या ब्रोकर्स हैं, ये थोड़ा सा मैंने आज कोई भी किसी को इस तरह से बोलते हुए नहीं सुना, ना मैंने कोई वीडियो देखा किसी का। तो मैंने ये पाया कि जनरली लोग स्टॉक मार्केट का जो डायरेक्शन है वो समझ नहीं पाते, और इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग उसमें टेक्निकल्स में लगे रहते हैं और बाकी चीजों में लगे रहते हैं, और ये मार्केट में ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कई बार महसूस किया। और अभी जैसे हम लोग टाइम के बारे में ज्यादा नहीं बताते क्योंकि फिर वो उसका रहता है, लेकिन फिर मैं अभी हमने 30th और 31st मई के बीच में हमने जब गैप देखा तो 30th को मार्केट काफी ऊपर गया और 31st को थोड़ा सा ही शॉर्ट हुआ, केवल 77 पॉइंट डाउन हुआ, लेकिन शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा बन गई मार्केट में। और शॉर्ट पोजीशन किसकी मानते हैं? हम मानेंगे स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेंट। स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेंट क्या है? FPI है और सेकेंड नंबर पे प्रो है, और क्लाइंट्स को हम लोग स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे नहीं मानते, लेकिन ये मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक्चुअली जरूरी नहीं है कि सभी FPIs जो हैं स्ट्रॉन्ग हो और सभी क्लाइंट्स वीक हो। प्रो में तो जनरली देखा मैंने एक ही डायरेक्शन चलता रहता है। यानी कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और बाजार गिरता है तो ये मतलब है कि बेयरिश, राइट? नहीं, मैं उसके ऊपर आ ही नहीं रहा। अच्छा, वो उसके ऊपर इसलिए नहीं आ रहा कि वो दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एनालिसिस एंड दैट इज बेस्ड ऑन द टेक्निकल। मैं टेक्निकल पे नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्स पे।
और ये एक तरह का ये जो मार्केट में क्या फैक्चुअल पोजीशन बन रही है उसके ऊपर आ रही है। अभी मार्केट में अगर वो एफपीआई लॉन्ग हो रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, प्रो भी लॉन्ग हो रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, अगर क्लाइंट शॉर्ट है तो नेचुरली वो उसको बराबरी नहीं कर पाएंगे। अभी क्या हुआ, 30-31 मई और उसके बाद 30-31 मई 2022 और उसके बाद की पोजीशन में क्या हुआ कि क्लाइंट की लॉन्ग की पोजीशन बढ़ती गई। इसमें है क्या कि ये चारों पोजीशन लास्ट में नेट होकर के जीरो हो जाती है। ओके, दोबारा समझिए, जितना एफपीआई की नेट में बाइंग या सेलिंग होगी, डीआईआई की बाइंग या सेलिंग होगी और ये प्रो की बाइंग सेलिंग होगी और क्लाइंट की बाइंग सेलिंग होगी, चारों को अगर हम जोड़ देंगे तो जीरो फिगर आएगी। बिल्कुल, बिकॉज कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, दोनों का पार्टी है। तो ये है, तो इसमें क्या होता है आमतौर पर यह देखा गया है, हालांकि अपने यहाँ डोमेस्टिक एफपीआईज भी हैं हु आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, कुछ एफपीआईज ऐसी भी हैं जो भाई अपने मैंडेट की वजह से वो थोड़ा शॉर्ट करके चलती हैं बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर देयर क्लाइंट्स, तो वो करती हैं, लेकिन इन जनरल ये हमारा एक्सपीरियंस है और ये हमारा देखा हुआ है कि जब एफपीआई और प्रो की पोजिशन अगर माइनस में होती है तो मार्केट उठता नहीं है भले ही क्लाइंट की पोजीशन कितना स्ट्रांग हो। इसमें एक कैच और है जो बीच में हमने महसूस किया, हमने जब तेजी चल रही थी 2019 में और हमने फिर ये 2021 में भी ये महसूस किया, उस पीरियड में क्या था कि जो इंस्टीट्यूशंस थे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वो बराबर बेच रहे थे, प्रो की पोजीशन कुछ बराबर सी नहीं थी लेकिन क्लाइंटों की पोजीशन तेजी की थी और मार्केट तेजी कर रहा था। तो इसका मतलब ये भी है कि मार्केट में ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। लेकिन ये बाद में देखा गया कि जब अगर सपोज करो एफपीआईज की पोजीशन ऑलरेडी शॉर्ट है, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ओपन इंटरेस्ट पोजीशन शॉर्ट है, तो देर सवेर करेक्शन अच्छा आता ही है। जैसे आजकल तो मैं कहूंगा कि थोड़ा मार्केट में मंदी चल रही है तो मंदी आ रही है, अगर सपोज करो एफपीआई उस टाइम में अगर शॉर्ट है और मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड है तो इसका मतलब ये करेक्शन जल्दी ही ड्यू है, एक बार डाउन ट्रेंड तो आएगा ही आएगा, तो ये मान करके चलना चाहिए। तो ये ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी व्यू बनाने से पहले, मार्केट का ट्रेंड देखने के बाद भी और कोई भी व्यू बनाने से पहले इस ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस को ट्रेडर्स को जरूर देखना चाहिए, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, शाम को 7-8 बजे फिगर आ जाती है, उसके बेसिस पे कोई भी आदमी उसे कंपेयर करके निकाल सकता है। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया समझाने के लिए कि ओपन इंटरेस्ट कितना एक इंपॉर्टेंट है और सेक्टर्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट क्या है, हमें कैसे एनालाइज करनी चाहिए फिगर्स और हमको कैसे उन फिगर्स से हम अगले दिन का या अगले महीने का ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं। आपने बताया हमें कि चार प्रकार की पोजीशंस होती है, क्लाइंट पोजीशंस होती है, प्रो पोजीशंस होती है और एफपीआईज और डीआईआईज की पोजीशन होती है, जो डेली डे टू डे बेसिस पे आप एनालाइज करते हैं ट्रेंड को समझने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। For future updates and queries, visit social media handles of TradeSmart.